नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष संबंधी कई दुर्लभ जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं मूलांक 7 के बारे में। जो जातक किसी भी मंथ में 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मे हैं, उनका मूलांक 7 बनता है। विद्वान इसको नेपच्यून से प्रभावित मानते हैं कि इस राशि पर जो नेपच्यून का प्रभाव होता है, हमारे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु को माना जाता है। यह जल तत्व प्रधान नंबर माना जाता है कि इसमें जल तत्व की प्रधानता होती है। जो जातक इस तारीख को पैदा होते हैं जिनका मूलांक 7 बनता है, इसके अतिरिक्त जो 7 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं वे अति भावुक होते हैं और उनको जो विशेष उनकी एक आदत होती है वो ये है कि वो काम को उनको टालने की प्रवृत्ति होती है। वो अपनी ही मस्ती में जीते हैं और जीवन में कई बार सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार अपने आलस्य की वजह से वो जीवन में प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनको यही सजेशन है कि उन्हें आलस्य को त्याग कर फुर्ती का सहारा लेना चाहिए और किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। जो 7 अंक वाले जातक होते हैं उनकी जिंदगी में अचानकता बनी रहती है। मतलब यदि कोई सक्सेस मिलती है तो अचानक मिलती है, शादी होती है तो अचानक होती है। इसके अलावा जीवन में कई कई चीज़ें उन्हें उपलब्धियां होती हैं, वो अचानक ही होती हैं, तो उनके जीवन में ये अचानकता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जो 7 अंक वाले होते हैं उनको साइंस में काफ़ी गहरी रुचि होती है। वो ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छी करते हैं, पोइट्री भी बहुत अच्छी करते हैं और उनमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी काफ़ी कुछ इनका स्वभाव चंद्रमा प्रधान लोगों की तरह होता है जो कि 2 अंक को पैदा हुए हैं। इसीलिए 2 अंक और 7 अंक वाले जो जातक होते हैं उनकी कई बार ट्यूनिंग अच्छी होती हुई देखी गई है, क्योंकि दोनों ही बहुत कल्पनाशील होते हैं और दोनों ही बहुत लेखन प्रिय होते हैं, लिखने में उनका अच्छा वर्चस्व होता है। 7 अंक के जो जातक होते हैं उनके जीवन में एक और बात होती है, विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है और जो लड़की 7 अंक की होती है जब उसका प्रवेश ससुराल में होता है तो उसके कदम ससुराल में पड़ते हैं तो ससुराल को भी उसकी वजह से काफ़ी प्रगति मिलती है। ये तो थी 7 अंक संबंधित जानकारी। इसमें कुछ एक दो बातें और विशेष हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो 7 अंक वाले जातक हैं उनको 2 ही रत्न सूट करते हैं, या तो वे मोती पहने स्मॉल फिंगर में तो उससे उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा यदि मोती उनको सूट नहीं करता है, क्योंकि कुंडली का भी अध्ययन करना जरूरी है, अगर कुंडली में चंद्रमा कारक नहीं है, अशुभ है, तो मोती हो सकता है उनको नुकसान कर जाए। इसके अलावा वो एक लहसुनिया धारण कर सकते हैं जिसको कि कैट्साई बोलते हैं और कैट्साई काफ़ी फ़ायदा करता है, तो कैट्साई वो धारण कर सकते हैं 3.25 रत्ती से ऊपर का। इसके अलावा उनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी की उपासना करने से भी उनके ग्रह बढ़िया होते हैं और उनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। जो 7 अंक के लोग होते हैं उनको बहादुरी और साहसिक कार्यों का भी काफ़ी शौक होता है और उनके जीवन में कई घटना जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है और कुछ खास विशिष्ट घटनाएं होती है, जैसे कि बहुत ऊंची इमारत से गिर जाना लेकिन बच जाना, कई बार कोई दुर्घटना होती है लेकिन वो अनायासी कोई अदृश्य शक्ति जैसे उनकी रक्षा करती है, इस तरह की स्थिति भी उनके सामने आती है। तो 7 अंक वैसे बहुत अच्छा माना गया है और 7 अंक वाले जो लोग होते हैं काफ़ी उच्च पदों पर देखे गए हैं। ये काफ़ी दार्शनिक, चिंतक, प्रिंसिपल, इस तरह के लोग होते हैं, राइटर होते हैं और ज़िंदगी में बहुत ही ये राइज करते हैं, खोज करने वाले लोग होते हैं, कोई भूगर्भ शास्त्री होते हैं, तो इस तरह के लोग प्राय जो 7 अंक के व्यक्ति हैं वो देखे गए हैं। और 7 अंक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अंक है, लेकिन इस तरह के जो 7 अंक वाले लोग हैं उनके स्वभाव को समझना बहुत आसान नहीं होता है हर किसी के लिए। ये हर किसी के साथ एडजस्ट भी नहीं हो पाते क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जो लोग इनको समझते हैं उनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, नहीं तो प्राय ये अकेला ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद करते हैं जो इनके मन के माफिक रहे। तो ये तो थी 7 अंक संबंधी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे अवश्य ही बताइएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी किसी नए विचार के साथ में। टिल देन जय श्री राम एंड बाय बाय।